एक बार की बात है, हवाईयन पपाया इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी पपीता की इंडस्ट्री थी, बट इस कंपनी में एक गहरा संकट तब छाया जब हवाईयन पपीता रिंग स्पॉट वायरस के कॉन्टेक्ट में आ गया। और ये वायरस सिर्फ पपीता को ही नहीं, उसके पूरे पेड़ को जल्दी से जल्दी नुकसान पहुंचा रहा था, और इसी कारण दिन पे दिन पपीता की खेती कम होते जा रही थी। तब इंडस्ट्री जेनेटिक इंजीनियरिंग में घुसी और एक ऐसा नया पपीता का फल बनाया जिसे वायरस से तो कतई नो टेंशन था, और अगर ये जेनेटिक पपीता नहीं बनता तो आज पपीता पूरी दुनिया से लुप्त हो गया होता। तो अगली बार जब भी आप पपीता खाते हैं तो उसे उगाने वाले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को तो थैंक्स जरूर बोलिएगा। और पपीता ही नहीं, बहुत सारे जेनेटिक फल हैं, सब्जी भी है, जिसे आज हम मस्त पका कर खाते रहते हैं। ठीक है, वैसे पकाते वक्त अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हैं तो इतना भी ज्यादा हेल्प नहीं कीजिएगा कि